सब्सक्राइब करने के बाद घंटा बचाएं ताकि आप दूसरा अपडेट घंटा भी मिस ना कर पाएं। इस वीडियो को बनाने के पीछे का हमारा उद्देश्य आपको अपराध और अपराधियों के बारे में जागरूक। लॉरेंस बिश्नोई और देवेंद्र बम्बिया ग्रुप में शुरू हुई जुबानी जंग। लिखा, सड़कों पर अब खून बहेगा। न गुरलाल के हत्यारों पर पकड़े, न सेक्टर 9 में गोली चलाने वाले और न मोंटी शाह। शहर में 2 दिन में गोली चलने की 3 वारदातें हुई। सोपू नेता और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के करीबी गुरलाल की डिस्कोथेक के बाहर गोली मारकर हत्या की गई। दूसरे दिन सेक्टर 9 के डिस्कोथेक में टिकटॉक स्टार जीरकपुर निवासी सौरभ गुज्जर और बुडेल में गैंगस्टर मोंटी शाह द्वारा दोनों हाथों में पिस्टल लेकर बाउंसर तीर्थ की हत्या का प्रयास किया गया। 3 दिन में 2 वारदातों में आरोपियों का पता होने के बावजूद आरोपी पकड़ा नहीं जा सका है। गैंगस्टर सोशल मीडिया में एक्टिव होकर धमकी पर धमकी दे रहे हैं। साफ कह रहे हैं कि जल्द ही सड़कों पर दोनों तरफ से खून बहेगा। फरार मोंटी शाह से मिलने चंडीगढ़ पहुंचे एक गैंगस्टर प्रवीण कुमार उर्फ बीमा को थाना 34 पुलिस ने पकड़ा है। उसे एक पिस्टल, एक कारतूस और चोरी की बाइक पकड़ने का पुलिस ने दावा किया है। इससे पहले थाना 39 पुलिस में केस दर्ज कर 25 युवाओं के नाम लिखे थे। सवाल उठ रहे हैं कि कस्टडी में आरोपियों के दिए बयानों के क्या औचित्य क्या है और उन्हें किस केस में आरोपी बनाया जा सकता है। गुरलाल की मौत के बाद शुरू हुआ सोशल मीडिया वार। गुरलाल की हत्या के 5 घंटे बाद 11 अक्टूबर को देवेंद्र बम्बिया ग्रुप ने सोशल मीडिया में पोस्ट की गई। लिखा कि लवित देड़ा की हत्या का बदला लेने के लिए लक्की पटियाल ने उसकी हत्या करवाई है। जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि 3 साल पहले गुरलाल ने उसके साथी की हत्या करवाई थी। कहा कि चंडीगढ़ के क्लबों में जाकर उनके खिलाफ जो बोलते हैं वो समझ जाएं। इसके बाद बिश्नोई का जवाब और बम्बिया ग्रुप की धमकी, सड़कों पर खून सूखने नहीं दिया जाएगा। 12 को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने लिखा, नई जंग की शुरुआत है। जो अब हमारे साथ नहीं है वह अपना ध्यान रखना शुरू कर दे। जंग में कोई सुरक्षित नहीं, कोई जायज़ हो या नहीं, आज से सड़कों पर खून नहीं सूखेगा। जंग के नियम बदल चुके हैं और नए नियम की पालना करते हुए जो जहां मिला जहां भी। अब बम्बिया ग्रुप ने लॉरेंस को धमकी दी और लिखा कि हम तो सड़कों पर खून की नदियां बहाने की सोच रहे हैं। 16 को देवेंद्र बम्बिया ग्रुप ने धमकी दी। लिखा कि नियम सबके एक जैसे होते हैं, जायज और नाजायज, तू करके तो देख, वो हमें तुझसे ज़्यादा आता है। 1 का बदला 4 से होगा, जो तू भी जानता है। और तू सड़कों पर खून नहीं सूखने देने की बात कर रहा है, हम सड़कों पर खून की नदियां बदलने की सोच रहे हैं। जंग और नियम की शुरुआत सोच समझ कर करियो। अगर आप ऐसे ही वीडियोस और देखना चाहते हैं तो आप बने रहिए हमारे साथ सब्सक्राइब करके। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।